हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। महिलाएं अपनी त्वचा की देखभाल के लिए पार्लर और फेशियल, वैक्स, बॉडी मसाज, हेयर कट करवाती हैं, लेकिन कई बार ये करवाने के बाद में हमारी स्किन डल और काली हो जाती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हमेशा ये सब करवाने के बाद में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फेशियल कराने के बाद में हमेशा मेकअप करने से पहले ही एक दिन पहले ही फेशियल करवाना चाहिए। फेशियल करवाने के बाद में चेहरे पर मेकअप नहीं करना चाहिए। फेशियल करवाने से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, ऐसे में मेकअप पोर्स में घुसकर उन्हें गंदा कर देते हैं। इससे चेहरे पर पिंपल और दाने निकल सकते हैं। फेशियल कराने के बाद में आप धूप में बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में आप घर से भी बाहर ना निकलें। स्किन को साबुन या स्क्रब का इस्तेमाल ना करें। फेशियल कराने के बाद में स्किन को बार बार ना छुएं। आईब्रो कराने के बाद में आप हमेशा क्या ध्यान रखें कि वैक्सीन और थ्रेडिंग करवाने के बाद में स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। ऐसे में तेज़ धूप से स्किन को बचाना चाहिए। आईब्रो बनाने के बाद में स्किन पर एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइजर या बर्फ़ का इस्तेमाल करना चाहिए। आईब्रो बनाने के बाद में आँखों के आसपास सूजन देखने को मिलती है, तो आप टी बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी बैग्स का इस्तेमाल करने से आँखों की सूजन कम हो जाएगी। ब्लीच कराने के बाद में हमेशा क्या ध्यान रखें, ब्लीच कराने के बाद में भी आप धूप में नहीं जाएँ। सूरज की तेज़ रोशनी से स्किन जल जाती है। ब्लीच कराने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि इससे स्किन को डिहाइड्रेट हो जाती है, और स्किन को डिहाइड्रेट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए। ब्लीच कराने के बाद में स्किन को किसी भी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैक्सीन कराने के बाद में आप तेज़ धूप में ना निकलें, नहीं तो स्किन डल और काली हो जाती है। वैक्स कराने के बाद में स्विमिंग नहीं करना चाहिए। वैक्स कराने के 2 दिन तक स्विमिंग नहीं करें तो ही अच्छा होगा। वैक्स कराने के बाद में हाथों पर स्क्रब भी नहीं करना चाहिए। वैक्स कराने के बाद में स्किन पर किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिकनी वैक्स कराने के बाद में टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, न्यूज़ पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।